गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, आज हम करनाल में और हमारे साथ में दलबीर जी एंड मैम मीनू मैम हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया था और एक मोदी गिर का पहला स्टेप जिसको बोलते हैं 10%, बट उसके साथ साथ में आज एक वुमेन डे के ऊपर एक शानदार हम एक फैमिली मोदी गिर फैमिली बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिन को और बेहतर किया जाए, क्योंकि अपनी जीवन के जो भी हम परेशानियां हैं उससे थोड़ा दूर और थोड़ी देर एक गेट टुगेदर वाला माहौल बने। तो आज दलबीर जी हमारे साथ हैं, तो पूछना चाहेंगे कि मोदी केयर में इनको आने के बाद और प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद कैसा फील हो रहा है? तो दलबीर सर कैसा लग रहा है और मोदी केयर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मोदी केयर एक अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे पहले दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी गठिया, और मैं उसकी दवाई नहीं जब से ली है मैंने आज तक पेन किलर नहीं लिया, काफी आराम है मुझे, बहुत बढ़िया। तो कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो? कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? मैं सर तीन लेता हूँ, कैल्शियम की ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन और एक ओमेगा 3। वेरी गुड। ये तीन चीज यूज कर रहा हूँ, दो टाइम यूज कर रहा हूँ, ये नहीं है कि तीन टाइम, दो ही टाइम। मतलब आपको पहले से काफी रिलीफ? बहुत बहुत रिलीफ है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, एक बार मैं चाहता हूँ मोदी के प्रोडक्ट्स के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। मैम हमारे साथ में मीनू मैम है, जो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ में अपना एक शानदार सा कॉस्मेटिक शॉप चलाते हैं और साथ में अभी मोदी केयर को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है, पहला मोदी केयर का स्टेप आपने क्रॉस किया तो कैसा फील होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं में, मतलब ये लग रहा है कि अब शायद वो पूरी हो। तो हमारे साथ में इन पूरी टीम को इकट्ठा करने वाली एक लेडीज बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनका नाम है डॉक्टर प्रिया। तो मैं एक बार डॉक्टर प्रिया मैम से पूछना चाहता हूँ कि मैडम उन्हें कैसा फील हो रहा है कि जब टीम में ऐसे माहौल बनता है और एक फैमिली जैसा एक नया एक रिलेशन बनता है तो कैसा फील होता है? तो मैडम क्या बताना चाहिए? सर, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आप ही कर रहे हो सारा कुछ, आप जैसे गाइड कर रहे हो, मैं नहीं बना रही, आप बना रहे हो। और सबसे ऊपर जो हमारे एमओजी हैं चिराग सर, अरुण सर, तरुण सर, वही कर रहे हैं, वो जो सिखा रहे हैं वही हम सीख रहे हैं और आगे सिखा रहे हैं। तो हमारे साथ में दीपिका मैम है, जिनकी ये डायरेक्ट टीम है। तो दीपिका मैम से पूछते हैं कि 10% उनकी टीम में आए हैं, तो एक बार उनको कैसा फील हो रहा है? तो एक बार दीपिका मैम से बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही है हमें भी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि हम आगे मोदी केयर को काफी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं इसके, हमें अपने मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है, जो इसको यूज करते हैं उसे पता चलता है इसके बेनिफिट्स का। तो हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका लेवल हम भी बढ़ाएं और लोग इसको यूज करें ताकि उन्हें पता चले इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक बार मैम के क्लैपिंग एंड उसके बाद में प्रिया मैम फोटो 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 सबको मौका देंगे। चलो आओ मैम, प्रिया मैम आप भी आओ, आओ जी आओ आप मैम को दो 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 मीत मैम आओ मैम आपकी टीम है। कौन रहेगा कि बिल्कुल वाला नहीं रहेगा नाम ये वो लेडीज है जिन्होंने देखो ये डायरेक्ट सेलिंग का एक वो होता है कि स्टार्टिंग जब हुई तो इन्होंने उमंग मैम हमारे साथ जुड़े, उमंग मैम के थ्रू डॉक्टर प्रिया आए, डॉक्टर प्रिया के थ्रू मैम आए, एंड मैम के थ्रू ये मैम आए, उनके थ्रू आप आए, यही है हमारा ये परिवार। तो इस तरह से हमारा ये परिवार धीरे 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 बढ़ता रहता है और यही हमें हमारे जो सीनियर सिखाते हैं कि हमने हमेशा सबके साथ के साथ में मिलके रहना है, एज अ फैमिली रहना है। मोदी केयर कोई करे कोई ना करे, बट हमने एक फैमिली की तरह रहना है।
तो ये हमारे जो सीनियर हमें सिखाते हैं, हमारे एमओजी हमें सिखाते हैं, तो इसी को हमने फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। एंड एक बार उमंग मैम के लिए क्लैपिंग बनती है जिन्होंने इतनी सारी फैमिली को मिला। ठीक है जी, चिराग सर का और मेरी सारी टीम का थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, तुसी कुछ बोलना चाहते? कोई गल नहीं, मतलब पता चलेगा। वैसे जो जो मैं प्रोडक्ट यूज किए ने मेनू अच्छे लगे ने सारे। की यूज किए थे? अच्छे लगे नहीं, बहुत अच्छे लगे। नहीं, काफी अच्छे लगे। पेस्ट यूज की है, शैम्पू यूज किया है, माइजिस्टर क्रीम किया है यूज, बट अच्छा लगे। और मैं खुद ए वेरी गुड, बेस्ट विशेस। आपको मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो पूरी फैमिली आपके घर बैठी हुई है। आज मैम आप यहाँ हैं और अब अंदर से मतलब ये विश्वास उठता है कि नहीं, हमें आगे करना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। मतलब चाहे रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। चिराग सर हमारे जो एमओजी है वो क्या कहते हैं, 1000 दिन हमें छोड़ना नहीं है। 1000 दिन में हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे, चाहे हम ना करते हाँ करते, लेकिन पहुँचना है। बस शर्त ये है कि आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है और इनके बेनिफिट्स को मतलब लोगों को शेयर करना है। वेरी गुड, सबसे पहले यूज फिर प्रमोट, सब कुछ चलेगा। हाँ जी मैम, वंडरफुल मैम के लिए क्लैपिंग। आई थिंक मैम ने पहली बार कुछ बोला होगा। वेरी गुड, हाँ वो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलता जाएगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, वुमेंस डे के लिए आप कुछ लाइनें बोलिए। वुमेंस डे के लिए यही होता है, मतलब लेडीज अपने लिए टाइम तो निकालती ही नहीं है और निकालना चाहिए। जैसे मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब वुमेंस डे सेलिब्रेट की है। एक बार क्लैप। क्योंकि जैसे ना हम एक फैमिली में ही घुस के रह जाते हैं, अपना फैमिली में काम किया, फटाफट किया, बाहर चले गए। पर जैसे ये मोदी केयर में आने के बाद मतलब कि सबसे मिलना और घुलना और इकट्ठे कहीं कोई सेलिब्रेशन करना, वो मेरे को मोदी केयर में मिला और बहुत अच्छा लगा। देखो सेलिब्रेशन तो इकट्ठे हो गए ही होता है, अकेले बैठ के तो कोई नहीं करता। और लेडीज के लिए इतना आसान नहीं होता कुछ भी करना, पर मोदी केयर में ऐसा लगता है जैसे उमंग मैम, प्रिया मैम, इनको देख के लगता है अभी हम भी कर सकते हैं जब ये कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही है, थैंक यू मोदी केयर, बाकी तो आगे बढ़ना ही है। बिल्कुल ग्रेट। उमंग मैम आपको मतलब कैसा लग रहा है कि जब शुरुआत थी और आज, मतलब क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जब शुरू हुआ था तो कैसा लगता था अभी होगा या नहीं होगा, और अब क्या लगता है कि होगा या नहीं होगा, और क्या डिफरेंस? सर जब मैंने स्टार्टिंग की तो मेरे को सबसे पहले चिराग सर मिले, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसे मोदी केयर के बारे में बेनिफिट वगैरह सब कुछ बताया। तो मैंने जब देखा भाई नहीं कुछ बात तो है, अगर सर 3 साल के अंदर गाड़ी ले सकते हैं, इतनी इनकम तक पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उस दिन से मेरी थोड़ी सी आस जगी, तो मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। अब मैं डॉक्टर लेवल तक हूं और इस महीने सीनियर डॉक्टर की तैयारी है। वेरी गुड, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। देन हमारे साथ में संजना मैम है। संजना मैम कैसा लग रहा है, एक नया एक फैमिली वाला रिलेशन मिलता है? देखो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन वहां पे ये चीज नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है कि बिजनेस को छोड़ के वैसे मतलब कैसा फील लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई फैमिली मिली है, काफी अच्छा लग रहा है भी। हाँ, घर से बाहर निकले हैं कुछ करने के, अलग से कुछ करने का। वैसे तो हम जॉब करते ही है, बट लेकिन ये अलग से कुछ हो गया भी, हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन मोदी के बहुत अच्छा लगा,
थैंक यू प्रिया मैम। प्रिया मैम मेरे पीछे 9 महीने लगातार पड़ी रही, आजा आजा तो तब जाके मैंने स्टार्ट किया, बट लेकिन अब लग रहा है हाँ करना है, अब आगे तक जाना है। मतलब आप अब बिल्कुल लगता है कि आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हो, बिल्कुल राइट प्लेस पे, अब इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बस छोड़ना नहीं है, राइट चलो। तो प्रिया मैम हमारे साथ हैं। प्रिया मैम आपको कैसा फील हो रहा है आज वुमेन्स डे के ऊपर, क्या मैसेज देना चाहेंगे और मोदी केयर के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी लेडीज होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और घर बैठे ही जो ये इतना बड़ा बिजनेस मोदी केयर ने प्रोवाइड किया लेडीज के लिए, तो उसके लिए मतलब बहुत जबरदस्त है, क्लैपिंग बनती है। और जो इस वजह से जो है काफी लेडीज जो पता नहीं कैसे एटमॉस्फेयर में रह रही थी, उन लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, और आज ये देखो सारी लेडीज ही बैठी हैं वुमेन्स डे में, तो ये स्ट्रेंथ है, वुमेन पावर है जो मोदी केयर उनकी बढ़ा रहा है, बिल्कुल जो अंदर की ताकत है लेडीज की वो मोदी केयर के थ्रू बाहर आ रही है, तो थैंक्स मोदी केयर। देन उसके बाद में अपने बारे में खुद ही बताएं तो जिनकी वजह से शायद मुझे लगता है कि ये इस पूरे का पूरा माहौल यहाँ तक पहुंचा है, अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो शायद पॉसिबल ही नहीं था, तो मैडम क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो ये तो मेरी तारीफ करने का बहाना ढूंढ रहे हैं वैसे है इसलिए मेरा पहचान आप सबको पता ही है, मीत सग्गू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले लेडीज के लिए बोलूंगी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है वो जो कर नहीं सकती, क्योंकि अगर वो जन्मदात्री है ना, तो आप सोचिए कि कितनी हड्डियों की पीड़ सहन करके वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो कर नहीं सकती, उनके पास शक्ति है, सहनशीलता है, एक एकजुटता करने की एक जो शक्ति है ना उनके पास, वो कोई किसी के बीच भी है नहीं है। आप खुद सोचिए कि दो परिवारों को संभालती है वो, उनका मोटिव क्या होता है कि दो परिवारों को इकट्ठा करके रखना, तो हमें भी मोदी घर में सेम वही करना है, अपने फैमिली की तरह एक इकट्ठे रहना है, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलना है और सबको आगे लेके चलना है, हमें अपने बारे में नहीं सोचना, अगर हम किसी और के बारे में अपनी टीम के बारे में सोचेंगे तो हम तो खुद ही आगे अपने आप चले जाएंगे। तो थैंक यू मोदी केयर, मैं तो चिराग सर का मतलब जितना भी धन्यवाद करूँ ना वो भी कम है। वेरी गुड, तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल लेडीज, वेरी गुड।